गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ और उसको देखेंगे कि कैसे मैनिपुलेट होता है, कैसे प्रोग्राम में यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ कुछ मैनिपुलेटर्स है, कुछ एस्केप सीक्वेंस है, कुछ नल कैरेक्टर्स है, कुछ बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। उससे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप ही का सहयोग से मैं इसको क्या आगे तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है HLL कि HLL स्टैंड्स फॉर वर्ड, या ऐसे पूछ सकता है HLL स्टैंड्स फॉर वर्ड, तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि C++ किस तरह का लैंग्वेज है, तो हम लोग बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कोई बोलेगा कि हाई लेवल आखिर किस लिए है, तो इसमें हो सकता है C++ इस तरह का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, C++ इज डैश लैंग्वेज। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकता है, एक हो सकता है HLL लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एक उप्स भी हो सकता है, लेकिन उप्स में लैंग्वेज नहीं आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। HLL में हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएगा और उप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स आएगा, तो उप्स में भी ये पूछ देता है कि उप्स क्या होता है। तो उप्स क्या होता है कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन करीब 5-6-7 बार आ चुका है। उप्स स्टैंड फॉर व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन देखिए, अब उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अब ये किस लिए है, तो ये क्लास बेस्ड सिस्टम को बनाता है, क्लास बेस्ड सिस्टम को, क्लास बेस्ड सिस्टम बनाता है। तो क्लास का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑफ क्या ऑब्जेक्ट्स। तो जब उप्स एक क्लास बेस्ड सिस्टम बनाता है और क्लास बेस्ड सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और इसी से इंटर रिलेटेड बहुत सारा मैनिपुलेटर के बारे में पूछता है, जो हम आपको बता दें। मैनिपुलेटर का मतलब हो गया कि सिस्टम को मैनिपुलेट करना किस तरह से। तो इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गया उप्स, हाई लेवल ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके दे सकता है। अब एक मैनिपुलेटर एंडर होता है वो, और एक सेट डब्ल्यू, ये दो क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सेट डब्ल्यू यहां विथ होता है, विथ होता है, यहां पे विथ दे सकते हैं या कोई साइज सेट ये दे सकते हैं। तो एंडर एक मैनिपुलेटर होता है, क्या होता है? मैनिपुलेटर होता है, मैनिपुलेटर होता है जो मैनिपुलेट करने के काम में आता है। तो एंडल का मतलब हो जाएगा एक तरह से एंड लाइन, एंड फॉर एंड लाइन। अब लाइन को एंड करने के लिए, मतलब एक लाइन अगर राज लिख रहे हैं, यहां लिखना है, उसके नीचे मोहन लिखना है, मोहन लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सियाहो राज डबल कोट्स में और एंडल दे देंगे और तब लिखेंगे क्या, सियाहो मोहन, तब ये इस फॉर्म में जनरेट होगा, मोहन तब ये इस फॉर्म में जनरेट होगा। अगर एंडल नहीं देते हैं तो ये राज और मोहन, इसीलिए इसको हम लोग मैनिपुलेटर का नाम देते हैं, किसको, एंडल का। इसी तरह सेट डब्ल्यू होता है जो विथ को सेट करता है। अगर एक स्क्रीन है, अगर एक स्क्रीन है और स्क्रीन में मोहन को यहां से प्रिंट करना है, मोहन को यहां से प्रिंट करना है, तो हम लोग विथ को सेट कर देते हैं, सेट से विथ जो सेट होता है लेफ्ट साइड से होता है, तो सेट डब्ल्यू कर देंगे
और से डब्ल्यू उसका वित्त दे देंगे कितना 50 और तब यहाँ लिख देंगे क्या मोहन, तो स्क्रीन के बीचों बीच जनरेट हो जाएगा। इस तरह से ये चीज को जानते हैं, मतलब हम सेट डब्ल्यू का यूज बताए, अभी हैंडल का यूज बताए। हैंडल एक तरह का मैनिपुलेटर होता है, तो हैंडल न्यू लाइन करने के लिए भी आता है। इसमें दो क्वेश्चन हो गया, हैंडल यूज फॉर न्यू लाइन और क्या इट इज अ काइंड ऑफ क्या मैनिपुलेटर। ये एग्जाम में आता है, सेट डब्ल्यू विथ सेट करने का काम में आता है। उप्स के बारे में देखिए, इसी तरह छोटा छोटा हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जैसे एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन हमारा जनरेट हो जाए और उसके द्वारा हम। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके लिए हम लोग और ऑप्शनल क्वेश्चन और MCQ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।